आहे गुरु साहेब जे ओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवार अकाल मूरत अजूने सपंगोर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहाओ निरवार अकाल मूरत अजूने सपंगोर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसे पे सच सोच ना होवे जे सोचे लखवार चुप चुप ना होवे जे लाए रहा लेवतार पोखिया पोख ना उतरे जे बना पुरिया पहार सहस स्याण पा लाख होहे ता एक ना चल नाल केव सचारा होइया केव कूड़ा तुटा पाल हुकम रजाए चलना नानक लिखया नाल केव सचारा होइया केव कूड़ा तुटा पाल हुकम रजाए चलना नानक लिखया नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच सारे हाजरी लवा भाई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर
साध जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गरीब नवाज चबर शतर तख्त दे मालक जाग दी जोत दस पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी बेअंत बख्शिश रहमत सदका आप जी पंथ दे महान पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे हाजरियां भर रहे हो। धन सतगुरु चौजी पातशाह सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दी अत्यंत बख्शिश रहमत हो रही है। सतसंगत जी तुरकी बाणी दी अमृत पवित्र कथा सतगुरां जी दे चरणां विच अरदास करके सिंह साहिबान जी ने सतगुरां जी तो आग्या लै करके सच्चे पातशाह जी दी पवित्र अमृत कथा दी प्रारंभता कीती है। हजूर ने आग्या बख्शिश कीती है कि सेवक सिख पूजन सब आव है सब गाव है हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया दिन का हर थाएं पावै दिन सतगुर की आग्या सत सत कर मान। ये सच्चे पातशाह जी ने वेखो कथा की आरंभता विच किड्डी बख्शिश कीती है हजूर ने। तो सत संगत जी कथा का भोग ते कथा की आरंभता बड़ी ये विशेषताई हुंदी है बड़े विशेष समागम हुंदे है। कल कथा दे भोग दा बहुत उत्साह संगतां दे अंदर इन्हां समागमां ते उचेचे तौर ते सिंह साहिब जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी सतगुरां जी दे स्थान नाल प्यार है परिवार समेत आए हुए है बड़े प्यार नाल कल भी उन्होंने बैठ के कथा सुनी अज भी सजे बैठे है सतगुरां जी दे दरबार अंदर। कई प्रेमी इस गल दी विचार जरूर करदे होणगे कि अज ज्ञानी जी ने मूल मंत्र पंज वारी क्यों पहला पढ़िया है
फिर गुरमंत्र पांच बारी पढ़िया है, जदों के मंगली मूल मंत्र दा पहलों हो चुका है, फिर पाठी सिंह जी ने भी तो पहला मूल मंत्र ही पढ़िया है, शंकावादी शंका जरूर कर लेंगे। सतसंग जी, ये किसी मनुख की बनाई हुई मर्यादा नहीं, आदि काल तो सतगुरां जी ने मर्यादा कायम की है। ये पूछा जाता है कि गुरबाणी के अर्थ सब तो पहला किने करने आरंभ किए? गुरबाणी के अर्थ सतसंग जी, सतगुरु पातशाह जी महाराज आई हुई संगत नूं अपने श्री कंठ तो उपदेश तो आदि गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज तो ही संगतां नूं दिता जाता रहा है। पर जिहड़ी प्रणाली अर्थां दी चली है ना, जो गुरबाणी के अर्थां दी मर्यादा बजी है, ये सतसंग जी आप पंथ वाली चौजी पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी महाराज चलाई है। सचे पातशाह जी महाराज जदों हजूर बाणी की कथा आरंभ की सी, कथावाचक दे मुख तो पहला शब्द एक ओंकार ही निकलना चाहिए। मेरा मन तो सी कि पहले मैं बेनती करदा कि सारी संगत नाल जपे, पर फिर शब्द होर निकल आना सी, इस करके एक बारी जप के क्या भाई सारे जप लो। इहदा कारण है साध संगत जी, सचे पातशाह जी महाराज ने जिवें कल बेनती की सी कि कथा एक जहाज दी ने आई है, ते जिहड़े स्रोते आ इहदे विच असवार हो करके फिर पार पैंदे संसार समुंदर तो। जदों जहाज तुरदा है ना, उहदे तुरन लग्गिआं बिगल वजदा फिर कि भाई कोई रह ना जायो, इह हुण तट तों तुरन लगा है। आरंभता भी बहुत हाजरी भरनी बड़ी जरूरी है, जिथे भोग ते हाजरियां भरियां आरंभता ते भी हाजरी भरनी बड़ी जरूरी हुंदी। वो जदों बिगल वजदा है, जदों अर्थ आरंभ होने हैं, अर्थां दे आरंभता जिहड़ा पंज वारी मूल मंत्र ते गुर मंत्र पढ़िया जांदा है, इह साध संगत जी उस बिगल दी आवाज दी तरह है, जिहड़ी सारी संगत एक रस मिल करके फिर पंज वारी मूल मंत्र ते पंज वारी गुर मंत्र जपिया जांदा है। ये सचे पातशाह जी महाराज आप प्रणाली हजूर गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी महाराज ने चलाई है, ते सचे पातशाह जी ने ये सारे अर्थ साध संगत जी अपने श्री कंठ तो महाराज जी ने अपने खालसे नूं गरीब नवाज ने सुनाए। आप जी ने पहला सरवण किया है। ये कथा दे अर्थ जेड़े है ना सतगुरां जी दी तुर की बाणी दे, ये सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने कीते। आप सतगुरु जी ने अपनी रसना तो हजूर ने कथा कीती है, ते सिंह साहब भाई मनी सिंह साहब जी जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हैड ग्रंथी सतगुरां जी ने उन्होंने थापिया सीगा, वो साध संगत जी पाठ उन्होंने कीता है, सतगुरां दी बाणी दे लिखण दी भी उन्होंने महान सेवा प्राप्त हुई। गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज ने जदों ये सारा कार्ज हजूर ने संपूर्ण किया सी, भावें कि बड़ा लम्मा समा वेखो पंथ बड़िया मुसीबतां विच रहा, ते समय समय मुताबक होर बहुत सारे टीके गुरबाणी दे छपे सीगे, पर संप्रदाय टीके ये साध संगत जी पिछले कोई 40-50 साल तो मैं कहां तो फिर ही प्रचलित होने लगे है, नहीं तो संप्रदाय टीके पहला ना सी हुंदे। ये जो कथा दे अर्थ हैं इन्हां नूं अगे भारी वड्डी गिणती विच प्रचारन दी सेवा श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दे हिस्से आई, फिर इस सेवा नूं साध संगत जी पंथ रतन विद्या मारतंड श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वालिआं ने बहुत ज्यादा सारे भारत वर्ष दे अंदर विचर विचर के थावां थावां ते गुरबाणी दी कथा दा मीह पाया। ये प्रणाली गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चलाई, भावें के संप्रदायी अर्थां दा कोई पहला टीका नहीं सी मिलदा, पर साध संगत जी संप्रदायी जिहड़े अर्थ है ना वो सीने बसीने चले आ रहे सीगे, ते जदों सीने बसीने कोई विद्या आउंदी है ना उहदी अंश जिहड़ी है साध संगत जी वह मरदी नहीं हुंदी। हाँ, जदों मेरा राजनीति मजबूत नहीं, पर जदों
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਤਪ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਟੱਪ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਟੱਪ, ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲਾਦ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਭਰਾ ਸਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਛਡਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਰੱਖੀ, ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਰੇ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ।
धन गुरु नानक देव सचे पातशाह जी महाराज की बाबत यह सवाल किया जाता है कि गुरु नानक साहब जी महाराज परमेश्वर दे जो अवतार मन्ने गए है उन्हां विचों महाराज केड़ा अवतार हन। गुरु साहब जी विष्णु का अवतार ने जां किसे देवी देवते का अवतार ने? सत संगत जी अवतारां दी कथा बाजां वाले सतगुरां जी ने श्री दसम ग्रंथ जी दे अंदर सतगुरां ने सारी लिखी है। 24 अवतार महाराज जी कहे है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो अवतार दसे हन साध संगत जी उन्हां विच्चों अवतार 6 प्रकार दे हुंदे है। एक अंसा अवतार हुंदा है, एक अवेशा अवतार हुंदा है, एक कला अवतार हुंदा है, एक नित अवतार हुंदा है, एक निमित अवतार हुंदा है, ते एक पूर्ण अवतार हुंदा है। ये साध संगत जी अवतारां दी जिहड़ी है ना गिणती कीती गई है। अंसा अवतार उन्हू कहिंदे है जिहड़े साध संगत जी परमेश्वर दी अंश जिन्हां विच होवे, जिवें मनु राजा सी, पृथु राजा होया है। अंसा अवतार उपायोन भाव दूजा किया, इन्हां विच परमेश्वर दी अंश सी, इन्हां धर्म दा राज कायम कीता राजे ने, पृथु राजे ने, मनु राजे ने, ये अंसा अवतार होए। फिर साध संगत जी दूसरे नंबर ते अवेशा अवतार। अवेशा अवतार उन्हू कहिंदे है कि पहलों अवतार वाली शक्ति ना होवे, बाद विच तप करके बंदगी दे जोर नाल अवतार दी शक्ति शरीर दे अंदर प्रवेश हो जावे, उसनू अवेशा अवतार कहिंदे है। ते परशुराम जी नू विष्णु जी दा अवेशा अवतार मन्निया जांदा है, क्योंकि इन्हां ने तप कर करके इन्हां घोर तपस्या कीती कि इन्हां दे अंदर फिर विष्णु जी दे अवतार दी शक्ति प्रवेश होई, इसनू अवेशा अवतार कहिंदे है। तीसरे नंबर ते साध संगत जी कला अवतार है। कला अवतार है जिहड़ियां कुछ शक्तियां लै करके संसार दे अंदर प्रगट होवे, जिवें कच्छ अवतार सी ते मच्छ अवतार होए। कच्छ अवतार उदों धारण कीता जदों समुंदर मंथन करन लगे सी दैंत ते देवते। इह हजूर ने सारी कथा लिखी है, मैं केवल टूक मात्र कहांगा। उस वक्त उसरा बंदियाचल पर्बत जां मंदराचल पर्बत, क्योंकि दो वारी ग्रंथां विच समुंदर मंथन दा जिक्र आउंदा है, ते वो कथा लंबी है सारी। ते साध संगत जी उस समय वह पर्बत टिकदा ना सी, फिर अपना कच्छ अवतार धार करके ना अपनी पिठ दे उत्ते अपनी नेही दे उत्ते उस पर्बत नू साध संगत जी रोकिया सी। शेष नाग दा नेत्रा पा करके फिर समुंदर दा मंथन कीता सी, ते 14 रतन कढ़े सन, उदों कच्छ अवतार धारण कीता सी। ते जदों साध संगत जी संखासुर दैंत जिहड़ा सी ओ संख दे विच्चों जिहदे विच्चों ब्रह्मा जी वेद दीआं धुनां प्रगट करदे आ ना, ओ उहने जा करके समुंदर दे विच लुका लिया। ते फिर उस संख नूं प्राप्त करन वास्ते मच्छ अवतार धारण कीता सी। संखासुर मारे वेद उधारे, गुरु कलगीधर साहब जी महाराज लिखदे आ। फिर इस प्रकार उस संखासुर जिहड़ा सी ना दैंत उहदा नाश कीता सी। इह कला अवतार हन। ते फिर साध संगत जी नित अवतार है। नित अवतार जिहड़े संत महात्मा हुंदे आ ना, इन्हां नूं वाहिगुरु दा नित अवतार कहा जांदा है। परमेश्वर दा प्रतख दर्शन इन्हां विच हुंदा है। हजूर ने कहा सी ना, गुरु तेग बहादुर साहब दे कल शलोक आ रहे सी, महाराज कहिंदे उहनूं वाहिगुरु दी मूर्त जाणो, परमेश्वर दा सरूप है, साडी सिख्या नूं सच्ची मन लो। परमेश्वर दा नित अवतार मन्ने जांदे आ साध संगत जी।